गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? फाइन, अच्छे से बोलिए, एकदम आप लोग ओपन एज ए फ्रेंड। हमें सुनो आप कि हमारा पखवाड़ा चल रहा है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यातायात जागरूकता पखवाड़ा। इस दौरान हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाएँ, उन्हें ट्रैफिक अवेयरनेस की बातें बताएँ। क्यों इसकी आवश्यकता क्यों है पहले ये जानो आप। जब क्यों लगता है ना तो वहाँ से जो है सब्जेक्ट शुरू होता है। क्योंकि दुनिया में 11% रोड एक्सीडेंट के भागीदार हम लोग हैं भारतवर्ष। 11% काउंट कर लेना कितने देश हैं, कितनी जनसंख्या है और हमारी दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा हैं। बहुत ही भयानक स्थिति है और सिर्फ इसलिए है कि आप अवेयर नहीं हो। आपके गांव में ग्राम ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां रोड एक्सीडेंट में कोई ना कोई मरा ना हो। एक बार उसकी फैमिली को वॉच करो, देखो कि उनकी जब वो जीवित थे तब उनकी फैमिली की स्थिति क्या थी और उनके एक्सपायर होने के बाद उस फैमिली की क्या स्थिति है। जब इस चीज़ को आप देखोगे तो शायद सबसे ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। और यूथ के बारे में बताना चाहता हूँ, कौन हो आप लोग? यूथ अगर ये जान जाए कि हम कौन हैं तो शायद वो गलतियां किसी भी क्षेत्र में ना करें। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितना भी परिवर्तन हुआ है, सब यूथ ने किया है। तो आप अपने आप को अपने घर का सदस्य मानते होगे, जहां पढ़ते होगे वहां स्टूडेंट माने जाते होगे, यहां कोचिंग में हो यहां भी स्टूडेंट माने जाते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपके बारे में क्या सोचती है कि आप जो है धरोहर हो, एसेट्स हो, प्रदेश की देश की पूंजी हो और हम लोग उस पूंजी के रखवाले हैं। ये पूंजी रोड पे बर्बाद ना हो जाए, रोड पे ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम लोग लगे हैं कि आपको रोड पे ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। आपका सहयोग चाहिए, आप हमें समझोगे, अपने जान की कीमत जानोगे और अपना भविष्य जानोगे तो गलतियां नहीं करोगे। जितना भी मैंने 11% बताया ना, उसमें 50+ जो है बाइकर्स की होती हैं और वो इसलिए होती हैं कि बाइक दो व्हील पे चलता है, दो व्हील का अपना स्वयं का कोई बैलेंस नहीं होता है, गति के सिद्धांत पे चलता है, जब गति मिलती है तो बैलेंस बनता है और फोर व्हील में ऑटोमेटिक बैलेंस होता है, प्लस उसके अंदर सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। सीट बेल्ट्स होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, अगर आप सीट बेल्ट लगाए हो केवल ना और भीषण तम अगर दुर्घटना हो गई ना तो भी एयरबैग आपको बचा लेते हैं, बहुत सेफ निकाल लेते हैं। लेकिन आप बाइक पे हो तो कोई सेफ्टी ही नहीं है मेरे दोस्त, एक यही बस है ऊपरी वाले माले पर जो आप इग्नोर करते हो, तो ये माना जाता है कि आप हेड इंजरी से बच गए तो डॉक्टर आपको बचा लेगा, नहीं तो डॉक्टर भी आई एम सॉरी कह के निकल जाएगा। ठीक है, तो हेड इंजरी बचाने का हम प्रयास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा बाइकर्स पे होता है क्योंकि बाइकर्स को सबसे ज़्यादा यूथ चलाता है और सबसे ज़्यादा बाइक दुर्घटनाओं में यूथ ही मारा जाता है। ये विडंबना है, दुख है, किसी माँ बाप के एक ही बच्चा हो, तमाम सपने उन्होंने देख रखा हो और बच्चा 25 साल 24 साल 20 साल की उम्र में गुजर जाए। तुम्हें तो नहीं कुछ होगा, तुम तो निकल लिए, अब पीछे वो रह गए, अब उनके हाल कैसे होंगे? टाइम काटेंगे किसी तरह, जीना है तो, वरना उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। तो आप लोग बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, गर्ल्स हो बॉयज़ हो जो भी, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, हेलमेट ज़रूर लगाओ। हेलमेट लगाए रहोगे डॉक्टर बचा लेंगे, हो सकता है हाथ पर टूट जाए, जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हाथ पर जोड़ने वाले। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में हेड इंजरी में कोई डॉक्टर इंश्योर नहीं होता है कि मैं 100% इसे ठीक कर दूंगा, नहीं कहता है। ठीक हो जाते हो वो बात दूसरी है, लेकिन पहले से वो भविष्यवाणी नहीं करता, किस लेवल के हेड इंजरी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग प्रॉमिस करो कि विदाउट हेलमेट बाइक नहीं चलाओगे। दूसरी चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस आप ज़रूर बनवाओ। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं जोर इसलिए देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका नहीं है ना तो बाइक पे जो इंश्योर कराए हो, बाइक को इंश्योरेंस कराए हो, वो क्लेम नहीं मिलेगा। इनकेस कहीं दुर्घटना हो गई
तो विदाउट डीएल के बीमा कंपनी ऐसे निकल जाती है जैसे वो आपको जानती भी नहीं। तो क्लेम तभी मिलता है जब आपका डीएल होगा, इसलिए डीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है, डीएल एक बहुत बढ़िया आईडी है, जैसे पैन है आधार है वैसे डीएल है। आप देखते हो किसी फॉर्म में उस पर क्रम से लिखा होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लिखा होता है ना, तो एक आईडी भी हो गई आपकी। और आपकी गाड़ी इंश्योर है तो आप एकदम बिंदास चलोगे कि कुछ हो भी गया तो हमारी फैमिली को जो है उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब कोहरेक सीजन आ गया, कोहरेक सीजन है, बहुत ज़ोर हम लोग दे रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो मैं रिफ्लेक्टिव टेप लगाता हूँ, आप लोग जानते नहीं हो कि है क्या चीज़। ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, बड़ा नाम, बड़ा काम, लेकिन छोटा सा लगता है। ये जो है कोहरे में आपके अगर बाइक पे आगे पीछे लगा हो या वाहन, बड़े वाहनों पे इसलिए मैं नहीं लगाता कि उनकी बहुत ज़्यादा जो है लेंथ लग जाएगी और उतनी क्षमता हमारी नहीं है, एक एक वाहन में कम से कम 10-10 मीटर लग जाएंगे, लेकिन बाइक पे आगे पीछे लगाना होता है मैं लगा देता हूँ। ये जो है इस पर कोई भी लाइट पड़ जाए तो कई गुना ज़्यादा जो है इसकी चमक एक सीधी रेखा में जो सामने का ड्राइवर उसकी रेटिना में क्लिक करता है और उसे पता चल जाता है कि हमारे आगे कोई चल रहा है, हमारे पीछे कोई चल रहा है। और आपको बता दूं कि इसीलिए इसका चालान सबसे ज़्यादा रखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है तभी इसका चालान इतना है। और लाइफ में कभी नशा नहीं करना, बहुत बुरी चीज़ है नशा, आपको हर उस बुराई की तरफ ले जाएगी जो आप बिना नशे के करना भी नहीं चाहोगे, उधर ले जाएगी। और जब कहीं आप यहाँ लोकल में हो, ऐसा है नहीं कि यहीं रहोगे, आप बाहर जाओगे, महानगरों में जाओगे, तो थोड़ा रोड सिग्नल्स का ज्ञान भी आप लोग करते रहो कि रोड सिग्नल्स को हमें कैसे पहचानना है, कब जाना है। रोड सिग्नल्स में मैं छोटा सा 5 मिनट लूँगा, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है, लोग जानते नहीं हैं उसे। सराय पर होते हैं कितनी लाइटें होती हैं, कोई बतावे? तीन। सबसे ऊपर, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। और वर्क बताएंगे कोई, रेड का, येलो का, क्या? ठीक है। और ग्रीन का इतना ही जानते हो ना सब लोग? अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन। रेड का तो आप सही बता रहे हो, देखो जब आप पहुँचोगे चौराहे पर ना, तो तीन लाइनें मिलेंगी आपको, आपको सबसे पीछे स्लो लाइन मिलेगा, उसके आगे स्टॉप लाइन मिलेगा, उसके आगे जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगा। अक्सर आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग को जानते हो, स्टॉप लाइन को नहीं जानते, स्लो लाइन को नहीं जानते। तो जो स्लो लाइन होती है ना, तो जब येलो जलता है तो वो होता है कि आप गाड़ी अपनी स्लो कर लो, और इतना स्लो करो कि स्लो से और स्टॉप लाइन तक पहुँचते पहुँचते आपको स्टॉप लाइन पर रुक जाना है। अब जो बीच में येलो है ना, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो एक बार नहीं दो बार आता है, सब लोग ये जानते हो कि एक बार आता है। आप कभी खड़ा होके किसी चौराहे पर गौर से तीनों लाइटों को आते जाते देखना, तो रेड के पहले भी आता है, रेड के बाद भी आता है, और दोनों का महत्व अलग अलग है कि लाइट चेंज होने वाली है। वो कॉशन है कि लाइट बदलने वाली है, तो जब भी कभी येलो हो तो उस येलो पे आपको रुकना ही है। अगर ग्रीन के बाद होता है तो आपको रुक जाना है, नहीं तो आप जानते हो कहाँ तक पहुँचोगे। बीच चौराहे तक आइलैंड होता है बीच में, जहाँ वो सिपाही खड़ा होता है, पास करता है, उसको आइलैंड कहते हैं। और उसके अगल बगल के जितने चौराहे का एरिया होता है उसको रिफ्यूजेज एरिया कहते हैं। रिफ्यूजी का मतलब मालूम है क्या हुआ? रिफ्यूजी का मतलब कितने लोग जानते हो? रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं शरण पाने के लिए, उन्हें रिफ्यूजी कहते हो ना?
सुने भी होंगे, फलाने देश से भारत में इतने लोग, फलाने देश से भारत में इतने लोग रिफ्यूजी लोग हैं। तो उस एरिया को रिफ्यूजेज यानी आपने अपना एरिया छोड़ करके और अनधिकृत एरिया में आप घुस गए हैं, इसलिए वो उसको रिफ्यूजेज एरिया कहते हैं। वहाँ पर आपको ट्रैफिक कैसे, आप जाइए कभी भी, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि इन केस आप येलो में चल देते हो और आगे से ट्रैफिक छूटता है, जैसे आप आधे पे पहुँचेगे उधर का ग्रीन हो गया, वहाँ ट्रैफिक चला, आप घबरा जाओगे कि अब कैसे क्रॉस करें, कुछ मत करो, वो जो आईलैंड है वहीं पे स्टॉप कर जाओ, रुके रहो, कोई ना कोई ट्रैफिक वाला आपके पास आएगा और मैनुअली ट्रैफिक को रोक के पूछ के आपसे किस दिशा में जाना चाहते हो, आपको रवाना कर देगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी में कि अब ट्रैफिक आ रही है उसके बाएं से निकल जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो तीन लाइनें बताया ना, इन तीन लाइनों को यदि, इसी को कहते हैं सिग्नल जंप। जब आप ये तीन लाइन, स्लो लाइन, स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं जानोगे तो आप अनजाने में जो है सिग्नल जंप कर जाओगे, सिग्नल तोड़ना कहते हैं, सिग्नल जंप करना कहते हैं, और उसकी फाइन भी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग अभी जब डीएल आप बनवाओगे ना, डीएल बनवाने की प्रक्रिया आपको बता दूँ, बहुत सिंपल है। एक तो आधार कार्ड में 18 ईयर आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, आप कहीं भी या खुद भी मोबाइल से अगर इतना जानते हो तो, कंप्यूटर में पढ़ रहे हो मालूम ही है, अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से जो है खुद ही जाओ साइट पे आरटीओ के, आरटीओ बलिया के, और वहाँ से जो है जो जो प्रोसेस है करते जाओ और अपनी बुकिंग करा लो। बुकिंग का मतलब आपको एक डेट मिल जाएगा पर्टिकुलर कि इस डेट पर आपका टेस्ट होना है, और एक आरटीओ का एप्लीकेशन आता है उत्तर प्रदेश आरटीओ का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और उस पर 2-4-10 दिन प्रैक्टिस कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चंस के आंसर राइट होने चाहिए, आपका डीएल बन जाएगा। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल भी हो जाओगे, कई चीज़ें उसमें पूछता है। तो अगर आप एक हफ्ते भी प्रैक्टिस किए हो, सैकड़ों क्वेश्चन उसमें, तो वहाँ जाओगे तो ज़रूर उसमें 9-10 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, कोई फेल नहीं होता है अगर जो भी प्रैक्टिस किया रहता है। ऐसे जाओगे तो अगर फेल भी हो गए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलता है, फिर एक नया डेट मिलेगा, फीस नहीं लगेगी, उसी फीस में दूसरा अटेम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा लर्निंग, लर्निंग लाइसेंस, जैसा कि उसके वर्ड में ही है, लर्निंग पढ़ने के लिए, आपको सीखने के लिए एक लाइसेंस मिलता है कि 1 महीने आप गाड़ी चलाना सीख लो, है ना, अच्छे से। तो कारों पर देखे होंगे लोग एल लगा लेते हैं, वो एल जो लगा के दिन भर चलते हैं वो गलत चलते हैं। वो एल लगाए हैं तो मॉर्निंग में चलो रोड पे, खाली हाईवे पे नहीं चलोगे, लोकल रोड पे चलोगे, हाईवे पे लोग एल लगाए रहते हैं, गलत है, हाईवे पे एल लगा के नहीं चलेंगे। वो लर्निंग का सिंबल है कि मैं अभी लर्निंग में हूँ भैया, मुझे बचा के चलो। अब कोई डंपर और ट्रक नहीं बचाया तो उनकी लर्निंग कहीं और शुरू हो जाएगी, है ना। तो रूल्स जो है आपको, देखो भारत में बहुत जो है बड़े स्तर पे जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अपनी दुर्घटनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है रोड दुर्घटना में, आप लोगों ने साइरस मिस्त्री का नाम सुना होगा, किसने सुना है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, और रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। अब उतनी बड़ी हस्ती है तो बहुत ही सेफ्टी वाली गाड़ी भी होगी उनकी, जो टाटा ग्रुप आप कंपनीज का चेयरमैन है तो उसकी गाड़ी भी तो बहुत सेफ होगी ना, फिर भी रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इतने बड़े बड़े लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो फिर जो उतना सुविधा संपन्न नहीं है, जिसके पास उतनी सेफ्टी वाली गाड़ियां नहीं है, उनकी क्या दशा होगी। तो अपनी जान खुद बचाना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है कि वो हमें देख के बचाएगा, वो देख के बचाएगा कि नहीं बचाएगा, आप उसको देख के बचो। ठीक है, और कभी भी आपका अगर दिमाग उथल पुथल में हो तो गाड़ी न चलाओ, शांत दिमाग से गाड़ी चलाना चाहिए,
उथल पुथल में आपका आंख तो रोड पे है, लेकिन आपका दिमाग रोड पे है नहीं, आपका दिमाग कहीं और है। ऐसे में आप नज़दीक की चीज़ भी नहीं देख पाओगे सडनली, और एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई काम करके देखना, खेत में फावड़ा चला के देखना, दिमाग घर पे रखना और फावड़ा चलाओ, अपना पैर काटोगे। सब्जी काटते हो, सब्जी काटना, दिमाग कहीं और रखना, आपका हाथ कटेगा। तो ये तो आप 50 की स्पीड में चल रहे हो और दिमाग कहीं और है, तो वहाँ तो सीधे मौत नज़र आएगी, हाथ पैर नहीं कटेगा। तो जब भी आप वाहन चलाओ, आपकी आँख और दिमाग दोनों मौके पर होना चाहिए, और ये तब होगा जब कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। गाने सुनते हुए नहीं जाओगे, ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, और बस 50 मीटर पे अपना फोकस रखो, ज़्यादा दूर की ना देखो। गाड़ी पे चलते वक्त दाहिने बाएं ना देखो, दाहिने बाएं देखते कुछ लोग चलते हैं, इधर भी देखे इधर भी देखे, सामने आपसे तेज स्पीड में कोई आया तो उसको नहीं देख पाओगे। यानी आपका आँख और दिमाग दोनों रोड पे होना चाहिए, फोकस 50 मीटर पे होना चाहिए, निश्चित रूप से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा अगर लिमिट स्पीड में आप चल रहे हो तो। ओवरटेकिंग, जब तक आपके सामने वाली गाड़ी आपको जगह न दे ओवरटेक मत करो, इससे भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ठीक है, स्पीड लिमिट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कहाँ पे किस स्पीड में चलना है इसका गौर करिए। स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई प्रतिष्ठान हो जहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में रहते हों, चौराहा हो, संकरा मार्केट हो, वहाँ पे आप बिल्कुल स्पीड में न जाओ। बातें समझ में आ रही हैं? आप उधर क्या देख रहे हो? नीले रंग की दीवार है, एक बार और देख लो। तो ये चीज़ें आप गौर करोगे तो अपनी लाइफ सेव करोगे। अब एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहेंगे, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई देंगे। तो आप रोड पे चलते थे पहले तो ये सोचते थे कि गाड़ी की आवाज़ आएगी, आने वाले टाइम में गाड़ी की आवाज़ आएगी नहीं, बगल से गाड़ी निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना ज़्यादा बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा आपको सावधानी की ज़रूरत है, ख़ास करके अगर पैदल चल रहे हो तो। तो पैदल चल रहे हो तो कहीं भी अपना स्टेप निकालने से पहले नज़र उधर ले जाओ, जिस भी तरफ मुड़ना है आपका स्टेप बाद में निकलना चाहिए, नज़र पहले जानी चाहिए। अक्सर एक्सीडेंट वहीं होते हैं जहां नज़र बाद में जाती है, स्टेप पहले निकालते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों का एक संशय दूर कर दें, सोचते हो ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक में इस समय मैं दो पहिया में आ रहा हूँ और स्कूटी पर आ रहा हूँ, दो किस्म की स्कूटी आ रही है, लो स्पीड हाई स्पीड। तो जिस भी स्कूटी का हायर स्पीड यानी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर तक है, उस पर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और जी और ना तो उस पर नंबर प्लेट की ज़रूरत है ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर से ऊपर वो क्रॉस होता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन भी होगा, 18 के बाद चला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा, हेलमेट भी लगेगा, ट्रैफिक रूल्स सारे लग जाएंगे। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी बहुत से रूल्स हैं, आप पढ़ते होगे देखते होगे, और एक्सीडेंट कम हो ये हमारा उद्देश्य है, और ये तभी हो सकता है जब आप जागरूक हो जाओ। थैंक यू, बस मैं इतना ही समय लूँगा और आपसे अपेक्षा करूँगा कि जो बातें बताएं उस पर आप गौर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।